Hello and good morning students. Welcome to class 9th economics people as resource. Last lecture में हमने एक overview लिया था, एक outline ली थी of this chapter people as resource, जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से अपनी population को human resource में, human capital में convert कर सकते हैं by investing education, skill and मेडिकल केयर. ओके, सो एजुकेशन, स्किल एंड मेडिकल केयर तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम एक पॉपुलेशन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल एज ए ह्यूमन रिसोर्स वर्क करती है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इकोनॉमी में, ग्रोथ जनरेट करती है और उससे इकोनॉमी ग्रो करती है और जो हमारी कंट्री है वो और ज़्यादा डेवलप होती है. सो इट इज़ बींग ऑब्जर्व दैट कंट्रीज who investing highly in their human capital are developed in a more rapid pace. Means वो countries जो कि अपनी human resource, human capital में invest करती हैं वो क्या होती हैं, वो और भी ज़्यादा developed होती हैं और ज़्यादा grow करती हैं. एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको जापान जो है बेसिकली है क्या, एक फोर आइसलैंड ही तो है जापान में, बट और वहाँ पर क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज़्यादा आते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक्स की वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है. स्कैर्स मीन्स इकोनॉमिक लैंग्वेज में किसी भी चीज़ की लिमिटेशन को या कमी को क्या कहते हैं, स्कैर्स कहते हैं. और गुड्स को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या कहते हैं गुड्स को. ओके, आप एक काम करना, आज मुझे आंसर करोगे बिटवीन 1, 2, 3 कमेंट सेक्शन में, लाइक जब आपके ग्रुप्स ओपन किए जाते हैं तब आप मुझे आंसर करोगे कि हम गुड्स को इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. सो ओके, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. ओके, सो अब हम बात करते हैं, पहले तो हम अब पढ़ लेते हैं स्टोरी ऑफ सकल. ठीक है, स्टोरी ऑफ सकल, ये जो चश्मा वगैरह लगा के ये बंदा है, ये आप देखने से ही पता चल रहा है आपको दैट ये सिटी में रह रहा है, इट मीन्स ये फुली एजुकेटेड है. ओके, और इसने अच्छी खासी पढ़ाई की है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, सॉफ्टवेयर जनरेट किया तो इसके लाइक बॉस ने खुश होकर इसे प्रमोट किया है. तो सेकंड टाइम पर, सेम टाइम पर ये है विलास, आप देख सकते हो इसे किसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो सर्वाइव कैसे कर रहा है, मछलियाँ बेच बेच के सर्वाइव कर रहा है. बचपन में फादर की डेथ हो गई थी, मम्मी जो थी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, मछली बेचनी स्टार्ट की और इनका गुजारा करती थी, दो, एक इनके सिस्टर और एक ब्रदर है. ओके, तो ये इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं. थोड़े दिनों के बाद मम्मा की भी डेथ हो गई इनकी, तो अब और ये फिज़िकली भी अनफिट है, अनहेल्दी है, बिकॉज़ क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको मिल नहीं पाया, इसलिए इनको डिजीज़ हो गई है. अब ये बीमार हो गए, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है इनको, तो इनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. बाकी इकोनॉमिकली इन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एक लाइक ट्रीटमेंट ले सके प्रॉपर, तो ये बहुत बीमार रहते हैं. अब देखो, ये थी दो लोगों की स्टोरी, और आप यहाँ पर मैंने स्टोरी मेंशन की है दोनों की, आप इसे पढ़ लेंगे. ओके, अब देखो इसका कंक्लूज़न क्या निकला इस स्टोरी का. इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि जो लोग, जो मींस जो पढ़े लिखे फादर पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन और न्यूट्रिशन की वैल्यू को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, उसमें स्किल डेवलप करते हैं, प्लस अच्छी उनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब देखो यहाँ क्या था, विलास था. अब विलास जो है, सॉरी विलास नहीं, सकल, ये ना सकल की शादी होगी कल को, तो फिर उसके बच्चे होंगे, तो वो भी अपने बच्चे के लिए लाइक बच्चे की एजुकेशन, स्किल और न्यूट्रिशंस के लिए अवेयर रहेगा. सो ये एक तरह से साइकिल बन जाएगा, लाइक ये सकल के मम्मी पापा थे, सॉरी सकल नहीं, हाँ सकल के मम्मी पापा थे, इन्होंने क्या किया, सकल को एजुकेट किया, अब सकल की शादी हो गई तो सकल के भी बच्चा होगा, वो भी उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और इस तरह से उसके भी बच्चा होगा, वो भी उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो इस तरह से एक साइकिल जनरेट होगा. तो ये साइकिल जनरेट होगा, तो इस साइकिल को कहते हैं वर्चुअस साइकिल, जिसमें पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो उसकी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, अवेयर हैं, उनको अच्छी खासी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो बड़े होकर अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ, उनका एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हो, प्लस वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए. अब सेम दूसरी साइड है अपना विलास.
तो विलास के मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, फादर की डेथ हो गई थी, तो मम्मा ने मुश्किल से घर का गुजारा करने के लिए मछलियाँ बेचना शुरू किया, तो वो उसकी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाए। अब कल को विलास की शादी होगी तो वो अपनी किचन के एक्सपेंसेस को ही फुलफिल करने में, उन मतलब अपने बच्चों को दो टाइम का खाना देने में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे एजुकेशन का ध्यान ही नहीं रहेगा, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज इसलिए नहीं है बिकॉज वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो और उसकी है फिजिकली फिट नहीं है, इसलिए वो कहीं और काम भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सेम साइकिल चलेगा। अब उसके बच्चे वो भी स्टडी को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, उसकी भी शादी होगी, उसके बच्चे, तो इस तरह से क्या होगा ना कि ये साइकिल चलने लग जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो ये साइकिल चलेगा। इस साइकिल को हम कहते हैं विशियस साइकिल। सो अब आप कहोगे कि मैम ऐसा भी तो होता है कि लाइक जहाँ बहुत से ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे बट उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया है। सो यस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं और ऐसा होता भी है। अब सपोज करो जैसे यहाँ था अपना ये क्या नाम है इनका, विलास का अगर जो बेबी है वो अगर कहता है कि नहीं पापा मुझे पढ़ाई करनी है, उसका बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, और विलास किसी भी तरह लोन लेकर के लाइक जैसे सकल के पापा ने लोन लिया था, आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वैसे ही विलास भी लोन लेके किसी भी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है और कल को वो भी अच्छी जॉब करता है, और तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये विशियस साइकिल टूट जाएगा और विशियस साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्चुअस साइकिल में। ओके, सो आई थिंक दिस, ये जो दो साइकिल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं कि जो विलास हाँ आई थिंक ये जो दो साइकिल हैं वो किस क्लियर हो गए हैं कि जिसमें एक साइकिल है वर्चुअस साइकिल जिसमें मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं और बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो उसकी एजुकेशन के लिए और मेडिकल हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो ये साइकिल चल रहा है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव साइकिल, तो ये है वर्चुअस साइकिल। और दूसरी तरफ ऐसा है कि वो चाहे किसी भी रीज़न की वजह से अवेयरनेस की कमी से या एजुकेशन या रिसोर्सेज की कमी के कारण अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और इसी तरह से साइकिल चलता जाता है, तो ये वाला साइकिल कहलाया होगा विशियस साइकिल। इन दोनों को मैंने देखो, ये आपको पहले आपको स्टोरीज दोनों लिखी हैं, मैंने आपको रीड करनी है, नेक्स्ट इसमें है आपको जो स्टोरी का कंक्लूजन है। नाउ यहाँ क्या है, स्टोरी का कंक्लूजन है और इसमें मैंने उसका इम्पोर्टेंस बताई है, लाइक जो एक केस हुआ है जो इसका प्रोडक्टिविटी में मींस अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उसका बेनिफिट किस तरह से मिलता है सोसाइटी को, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और ये जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही इसी में मैंने इसी पैराग्राफ में मैंने आपको विशियस और वर्चुअस साइकिल दोनों एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना ज़रूर है, मेंशन ज़रूर करना है नीचे, वैसे मैंने क्वेश्चन भी दिए आगे बता रही हूँ और ओके। तो अब देखो ये जो वर्चुअस और विचुअस साइकिल है, जो ये विशियस साइकिल है इसे तोड़कर इसे वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है, एजुकेशन। ओके, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे अवेयर होंगे तो लाइक वो साइकिल चेंज हो जाएगा। सो कहते भी हैं दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन। सो लाइक अगर एजुकेटेड होंगे लोग तो फिर वो जो मतलब एजुकेटेड होंगे तो फिर वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे, अवेयर होंगे, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि अपना जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, पॉपुलेशन जो है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना होने के बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज वो जो पॉपुलेशन है वो एज अ नेचुरल रिसोर्स कंसिडर की जाएगी। ओके, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसका जापान का एग्जाम्पल दिया था, दैट जापान है और वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उस वजह से वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, है ना। तो उसने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज तो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, बट उसने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, ह्यूमन जो रिसोर्स है उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड मेडिकल केयर। तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, तो इट मींस वो क्या हो गया ना कि वो इकोनॉमी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, मन लगाकर काम कर पाएंगे, लाइक पढ़ाई करेंगे मन लगाकर, फिर मन लगाकर काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में साइकिल जनरेट होगा, साइकिल ऑफ इनकम। ओके, इनकम ऑफ साइकिल, साइकिल ऑफ इनकम क्या है, ये आपके 11th में है, जो मैं आपको 11th में इकोनॉमिक्स में, अगर आप कॉमर्स लेते हो देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, साइकिल जनरेट होता है मीन्स जो इनकम है वो चलती जाएगी। ओके, दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। जापान के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि लैंड एंड कैपिटल में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी जो सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो सारी उन्होंने किस में लगाई, डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल बनाने में उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए हैं. ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज. सॉरी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना रह गया. हाँ तो यहाँ मैंने आपको जापान एक्सप्लेन किया है, जापान की इकोनॉमी कैसी है और वहाँ पर किस तरह से क्या. आपका होम असाइनमेंट है, रीड दीज नोट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ समर स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास. उसकी स्टोरी लिखनी है, लाइक स्टोरी मैंने कहा समरी है. समरी में आपको ये नहीं लिखना है कि उसके मम्मी पापा का नाम क्या था, उसके कितने भाई बहन थे, है ना. उसको जो मेन जो उसका इंटेंशन है, लाइक कि जो जो हमारा सकाल है, सकाल है तो वो एजुकेटेड है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, पापा ने लोन लिया, उसको पढ़ाया, फिर उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, फिर उसने क्या किया, एक कंपनी में जॉब किया और उसको प्रमोशन हुआ, वो सब मेंशन करना है. विलास में हमें उसकी ये शो करना है कि उसके पापा की डेथ हो गई थी तो मम्मा के मम्मा अनएजुकेटेड थी तो उन्होंने क्या किया, फिशेज सेल करने का काम किया. तो इस तरह से बस समरी मीन्स है कि उसका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आप उसको छोटे से छोटे वे में किस तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास. उससे आपको क्या समझ आया, मैंने ऊपर पैराग्राफ में बताया भी है आपको, है ना. लास्ट इज एक्सप्लेन द वर्चुअस एंड विशियस साइकिल. ओके तो ये अभी मैंने आपको यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, ये आपको कर लेना है. और दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, गुड लक, बाय बाय.